दोस्तों वाईटी भारत पर आज आपको लेकर के चलेंगे धरती के स्वर्ग कश्मीर की सैर पर। और अभी आप सामने वीडियो पर देख रहे हैं साउथ के हमारे कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो कश्मीर का पैकेज लेकर के गए स्नोफॉल के दिनों में, और कितना ये लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। इनके फेसेस से ही आप देख करके समझ पा रहे होंगे। Hi guys, we are in Gulmarg, Kashmir. Ice falling in Gulmarg. Gulmarg, yay! It's a beautiful day. Gulmarg. Here you have a 360 view. Monday morning. Yay! और स्नो फॉल के बाद जो कश्मीर की सुंदरता है, जो इसकी ब्यूटी है, उसमें चार चांद लग चुके हैं। इस सेम पैकेज को यदि आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी से आप संपर्क करिए और इस पैकेज को बुक करवा लीजिए। आइए दोस्तों, अब आपको इस पैकेज की डिटेल बताना स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी है 1 सितंबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में। यदि इससे पहले के मंथ्स की आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो ट्रैवल कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में उनका टेलीफोन नंबर दे दिया गया है, जाइए संपर्क करिए और सेम इसी आइटनरी को बुक करवा लीजिए। आगे आपको बताने वाला हूँ, ये पैकेज टोटल आपका होने वाला है 5 नाइट 6 डेज का, जिसके अंदर 2 नाइट श्रीनगर, 1 नाइट गुलमर्ग, 1 नाइट पहलगाम और 1 नाइट श्रीनगर की हाउस बोट में आपको स्टे करने को मिलेगा। अब आगे बात कर लेते हैं होटल्स के बारे में। तो होटल को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी। ये इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कहते हैं हमको स्टैंडर्ड चाहिए, बिल्कुल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। उसके बाद आते हैं डिलक्स, कुछ कहते हैं थोड़ी सी हायर कैटेगरी, उसके बाद आते हैं सुपर डिलक्स और प्रीमियम। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हमने कैटेगरी क्रिएट कर दी है। आप स्क्रीन को पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सिटी वाइज ये है श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और हाउस बोट। और इसके बाद ये जो स्टैंडर्ड है ये कंप्लीट कैटेगरी है। और अगर डिलक्स की बात करें तो ये आपको मिलेगा इन शहरों में। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं, हम बात करते हैं प्राइसिंग की, थोड़ी सी अलग होने वाली है। सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी में बात करें तो सिटी ये है, सुपर डिलक्स में ये आपको होटल्स मिलेंगे या हाउस बोट मिलेंगे, प्रीमियम में ये होटल और हाउस बोट आपको मिलने वाले हैं। अब आपको प्राइस के बारे में पहले मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों प्राइस बहुत ही कंपेटिटिव होने वाले हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बेस्ट पैकेज आपको इस रेट में कहीं भी इंडिया में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये ट्रैवल एजेंट सबसे चीप एंड बेस्ट रेट्स में नंबर वन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लगभग 500 से ज़्यादा टूरिस्ट ऑलरेडी जा चुके हैं पिछले सीजन में। मतलब जो आपकी स्नोफॉल का सीजन था नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में 500 मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर जा चुके हैं सेम इसी पैकेज को लेकर के, लेकिन रेट थोड़े से अलग थे। अभी के जो मैं आपको रेट्स बताने वाला हूँ ये न्यू सीजन के रेट हैं, और आपको पर पर्सन के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। ये लगभग 11,000 रुपये का पड़ेगा आपका। स्टैंडर्ड की बात करें तो मतलब 11,000 रुपये के अकॉर्डिंग 22,000 रुपये में 2 लोग जा सकते हैं। 4 लोग की बात करें तो 4 लोग स्टैंडर्ड पैकेज को लेकर के जा सकते हैं 42,000 रुपये में, और 6 लोग की बात करें तो 58,000 रुपये में ये 6 लोग जा सकते हैं। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कश्मीर का लैंड पैकेज जो आपका स्टार्ट होता है श्रीनगर से लेकर के और आगे गुलमर्ग, ये सब घुमा करके आपको वापस लाया जाएगा गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर 5 नाइट 6 डेज के अंदर। ये सारे पूरे पैकेज की कॉस्ट आपकी होने वाली है मात्र 22,000 रुपये 2 व्यक्तियों का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त पैकेज आपको कितना कॉम्पिटिटिव प्राइस में दिया जा रहा है। नीचे डिलक्स, सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी के अकॉर्डिंग फैसिलिटी और ये सब चीजें बदल जाएंगी। तो जो भी आप चाहें इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। आइए अब आपको डिटेल आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं। डे वन पर कहाँ चलेंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ। डे वन पर आप श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहीं से आपको टूर पैकेज स्टार्ट होने वाला है। श्रीनगर जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही हमारा टूर रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां पर पिकअप करेगा। पिकअप करने के बाद श्रीनगर के होटल में आपको वहां पर चेक इन के लिए ड्रॉप किया जाएगा। वहां पर आप चेक इन करिए, चेक इन करने के बाद आप आराम करिए, और आराम करने के बाद आप निकल जाएंगे अपने लोकल साइट सीइंग टूर पर जो होने वाला है श्रीनगर मुगल गार्डन के अंदर, जिसमें मुगल गार्डन के कुछ पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। निशंत है, निशंत के अंदर द गार्डन ऑफ डिलाइट, इसे गार्डन ऑफ डिलाइट के नाम से जानते हैं। शालीमार है द गार्डन ऑफ लव, चश्माशाही है द रॉयल स्प्रिंग एंड कश्मीर, लार्जेस्ट अलमल गार्डन, ये सब आपको घूमने को मिलेगा। और इवनिंग ट्रांसफर टू श्रीनगर होटल आपको वापस ड्रॉप किया जाएगा, और ओवरनाइट आप स्टे करेंगे डिनर करने के बाद श्रीनगर के अपने होटल में। इस दिन आपने क्या क्या घूमा यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं।
अब आगे आपको मैं डे टू की आइटनरी बताना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इस दिन आप श्रीनगर से सोनमर्ग और वापस श्रीनगर आएंगे। फुल डे का ये टूर होने वाला है। सोनमर्ग का 87 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है। और दोस्तों जर्नी जितनी भी आपकी होंगी ड्यूरिंग दिस ट्रिप वो आपकी पूरी मेमोरेबल जर्नी होने वाली है। रास्ते का नज़ारा इतना औसम होता है कि कैमरा एक मिनट भी बंद करने का आपका मन नहीं करेगा। इतनी औसम ये जर्नी होती है। 3 आवर्स की लगभग ये जर्नी होगी। 2800 मीटर्स अबव है सी लेवल से सोनमर्ग, जिसे सोना मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड गोल्डन मिडो, इसे हम कहते थे पहले। एट द हेड ऑफ द रिवर सिंध एंड ब्यूटिफुल माउंटेन्स ऑफ द ग्लेशियर द रिजॉर्ट इज सराउंडेड बाय मैनी प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट, प्लेसेज लाइक तजीवास ग्लेशियर एंड 0.1 कैन एंजॉय दिस बाय पोनी और लोकल यूनियन कैब ऑन डायरेक्ट पेमेंट बेसिस एंड ओवरनाइट स्टे एट श्रीनगर इन होटल। दोस्तों जब आप सोनमर्ग जाते हैं तो वहाँ पर घूमने के लिए जो आपका एक प्लेस है वो रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर घूम सकते हैं। जो मैंने आपको बताया क्या क्या घूमने की जगह है, सिंध रिवर, एप्पल वैली, फिशिंग पॉइंट, राफ्टिंग पॉइंट, गंगा गिर, वाला कड़ाल, ये सब चीज़ें हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको अपनी कॉस्ट पर पेमेंट करनी पड़ेगी जो आप वहां पर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं डे 3 पर श्रीनगर से गुलमर्ग। इस दिन आपका टूर स्टार्ट होने वाला है। ब्रेकफास्ट करिए और ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो जाइए गुलमर्ग के लिए वाया तनमर्ग होते हुए। चेक इन टू द होटल, वहां जाकर के आप चेक इन करेंगे अपने होटल में। रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए गुलमर्ग के अंदर। द मिडोस ऑफ फ्लावर्स, लगभग 56 किलोमीटर की ये जर्नी होगी आपकी श्रीनगर से। 2690 मीटर्स अबव है ये आपका सी लेवल से। दिस इज आल्सो इंडियाज प्रीमियर स्की रिजॉर्ट इन विंटर्स। पूरी दुनिया में स्कीइंग के मामले में गुलमर्ग का अपना ही स्थान है और यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं स्कीइंग के लिए। आल्सो हैज वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स, सबसे ऊंचाई पर वर्ल्ड के यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी मौजूद है। गुलमर्ग इज फेमस फॉर विंटर स्पोर्ट्स एंड गंडोला केबल कार राइड, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट केबल कार राइड के नाम से जानी जाती है। वन कैन एंजॉय दिस ऑन डायरेक्ट पेमेंट बेसिस करके आप गंडोला केबल कार राइड कर सकते हैं, जिसमें 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड लेवल। खास करके स्नोफॉल के दिनों में आपका फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। सेकंड लेवल अब आपका स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल के बाद से आप सेकंड लेवल भी कर सकते हैं। और जानिए जब आप इसके सेकंड लेवल पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत का पूरा नज़ारा कर पा रहे हैं। हाईलाइट्स इस दिन की होने वाली है। चेरी वैली, एप्पल वैली, तनमर्ग गोल्फ कोर्स, जयलक्ष्मी मंदिर, वालनट फील्ड, राइस फील्ड, ये सब इस दिन की हाईलाइट्स होने वाली हैं। दोस्तों आइए अब डे 4 की बात कर लेते हैं। गुलमर्ग से पहलगाम का इस दिन आपका साइट सीइंग होने वाला है। इस दिन के लिए आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलना होगा पहलगाम के लिए। तो पॉपुलर हॉलीडे रिजॉर्ट है, 95 किलोमीटर है, ईस्ट ऑफ श्रीनगर है, 2400 मीटर है अबव सी लेवल से। इस दिन आप पहलगाम घूमेंगे, जो विलेज ऑफ शेफर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ब्रीथ टेकिंग व्यूज हैं, एल्पाइन पीक्स हैं, लेडर एंड शेषनाग रिवर थम्बलिंग करती है, डाउन पिक्चर्स क्यू, डीप कट माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं। जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मज़ा ही आ जाएगा। क्या क्या घूमने के लिए प्लेसेस हैं, हाइलाइट्स क्या क्या हैं इस दिन के लिए, सैफ्रॉन वैली, मटन मंदिर, बैट फैक्ट्री, एप्पल वैली, लीडर रिवर, अवंतीपुरा रेंज, राफ्टिंग पॉइंट, ये सब इस दिन के आपके मेन हाइलाइट पॉइंट होंगे जो आप इस दिन घूमने वाले हैं। अब चलते हैं डे 5 पर। पहलगाम से साइट सीइंग आपका होगा श्रीनगर के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट ट्रांसफर टू विजिट फुल डे टू टू पहलगाम। द रिजॉर्ट इज सराउंडेड बाय वैली, विजिट विल बी ऑन डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर आप विजिट कर सकते हैं। वन कैन एंजॉय दिस प्लेसेस बाय हायरिंग लोकल यूनियन कैब को, आप हायर करके इस जगह को घूम सकते हैं। लेटर ट्रांसफर आपका किया जाएगा श्रीनगर एंड विजिट आप कर सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे हजरतबल घूम सकते हैं, शंकराचार्य टेम्पल जा सकते हैं, जामा मस्जिद जा सकते हैं, परिमहल जा सकते हैं। इवनिंग में आप 1 घंटा शिकारा राइड जो कॉम्प्लीमेंट्री होने वाली है डल लेक के अंदर, उसको आप इंजॉय करिए। इस दिन आपकी हाईलाइट्स क्या क्या होंगे जो आप घूमेंगे, श्रीनगर हिस्टोरिकल प्लेसेस, हजरतबल, शंकराचार्य टेम्पल, जामा मस्जिद, परिमहल, शिकारा राइड और डल लेक, ये सब आपका होने वाला है। डे 6 आपका होने वाला है, जिस दिन आपका ये टूर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और डिपार्चर आपका होगा श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करिए और एयरपोर्ट पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल मेमोरी के साथ आपका ये टूर कंप्लीट होने वाला है। अब आपको बताते हैं क्या क्या कॉस्ट इसमें इंक्लूड होने वाली है। तो आपका एकोमोडेशन फैसिलिटी वन डबल शेयरिंग बेसिस रूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप 2 लोग हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी आपको सिडान कार से अगर 2 व्यक्ति हैं, इसके लिए इंक्लूडिंग टोल टैक्स, ड्राइवर अलाउंस, ड्राइवर बाटा, पार्किंग, फ्यूल चार्जेस, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। और 2 लोगों से अगर आप और ज़्यादा लोग हैं तो आपको बड़ी कार प्रोवाइड करी जाएगी। फूड फैसिलिटी आपका MAP प्लान, ब्रेकफास्ट, डिनर और स्टे, ये सब आपका रहेगा। शिकारा राइड आपकी फैसिलिटी 1 आवर कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल टैक्सीज में इंक्लूडेड है। पिकअप एंड ड्रॉप श्रीनगर एयरपोर्ट से आपकी होने वाली हैं।
इस टूर में ये चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, एयर फेयर, ट्रेन फेयर आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, कोई भी मील अदर देन स्पेसिफाइड इन टूर कॉस्ट इंक्लूड्स, जैसे आपका लंच हो गया वो आपका इसमें इंक्लूडेड नहीं है, या कोई भी एक्स्ट्रा फूड लेते हैं रास्ते में तो उसके लिए आपको खुद पे करना पड़ेगा, टेलीफोन, लॉन्ड्री, लिकर, टिप्स, ये सब आपको खुद बियर करना पड़ेगा, एनी अदर आइटम नॉट स्पेसिफाइड इन टूर कॉस्ट इंक्लूड ये आपका खुद बियर करना पड़ेगा, गाइड एंड एंट्री फीस ड्यूरिंग साइट्स ये सब आपको खुद पे करना पड़ेगा, कोई भी अदर एक्टिविटी आप करते हैं तो ये आपको खुद बियर करनी पड़ेगी। पैकेज को बुक करवाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के फोन नंबर पर। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको और लेनी है तो वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बुकिंग कराने के लिए मैंने आपको बताया दिया। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।